Namaste, I am Vandana. Welcome back to my channel, Vandana Dubey Home Cook Food. Friends, today I like to teach you how to make the appe. Appe is very good recipe anytime we eat, and that one we make the vegetable appe. And this is a very very yummy recipe. आज मैं अप्पे की रेसिपी बनाने जा रही हूँ और हम सब्जियों वाला अप्पे बना रहे हैं जिसमें सारी सब्जियां डालते हैं जितनी भी हमारे घर में होती है। तो चलिए आज हम बनाते हैं अप्पे की रेसिपी। और उससे बनाने से पहले मैं कहना चाहूंगी, अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरे वीडियोज को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। सो फर्स्ट आई यूज द सेमोलिना। So this is I use 3 cup semolina. Friends, I use this teacups, very small cups, and according to your family member you can use the semolina. And now I add the yogurt 1 cup. तो मैंने इसमें 3 cup, मैंने चाय वाला जो cup होता है उससे मैंने 3 cup सूजी डाल दी है और 1 cup मैंने दही डाल दिया है। Now I add the water. सो फर्स्ट आई एड द 2 कप्स वाटर। मैंने 2 कप पानी डाल दिया है मिक्सर। टू कप्स इज इनफ, वी नॉट नीड मोर वाटर। तो हमारा 2 कप पानी बहुत है, अब हमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बनाना है, इतना ही बेटर। द सेम टाइम आई एड द सॉल्ट 1.5 टीस्पून। 1.5 चम्मच मैंने नमक डाल दिया है इसमें। एंड दिस इज जस्ट लीव इट फॉर द 10 मिनट। हियर आई हैव 1/2 कप अनियन, चॉप अनियन द स्मॉल साइज आई कट। मैंने 1/2 कप प्याज लिया है, द हैंडफुल फ्रेश कोरिएंडर, एंड दिस इज द करी लीव्स। इफ यू हैव अवेलेबल देन यू यूज इट। सो 4 to 5 करी लीव्स आई चॉप दिस लीव्स। तो मैंने कड़ी पत्ता लिए हैं, अगर हैं तो ले सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, धनिया से काम चल जाता है। एंड दिस इज द कैप्सिकम आई चॉप इन जस्ट स्मॉल पीसेस। तो ये मैंने 1/2 कप शिमला मिर्ची लिए, दिस इज 1/2 कप कैबेज, पत्ता गोभी 1/2 कप, 1/2 कप टोमेटोज, 1/2 कप मैंने टमाटर लिया है। हियर इज चिली फ्लेक्स एंड दिस इज द बेकिंग सोडा। मैंने सोडा पाउडर लिया है और लाल मिर्च ली है। मिर्ची अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट यू कैन यूज द रेड चिली पाउडर, जितना तीखा आप खाते हैं उस हिसाब से ले सकते हैं। एंड द सोडा इज 1.5 टीस्पून। तो मैंने 1.5 चम्मच सोडा लिया है, इसको हम बाद में मिलाएंगे, अभी हम इसको ऐसे ही रखते हैं 10 मिनट, इसके बाद हम मिलाएंगे। नाउ आई मिक्स ऑल दीज वेजिटेबल्स। सो फर्स्ट आई मिक्स चिली फ्लेक्स, ऑल्सो यू एड द ग्रीन चिली। I don't add the green chili because I have a small son, 3.5 years old, and he don't like much chili. So green chili he don't like. That's why I don't add it. तो मैं हरी मिर्ची नहीं डाल रही हूँ because मेरा जो बेटा है वो 3.5 साल का है और वो हरी मिर्ची नहीं खाता है, इस वजह से मैंने नहीं डाली, लेकिन आप लोग डाल सकते हैं। Now I add all these vegetables mix. हमने सारी सब्जियां डाल दी हैं, अब इनको हम मिला लेंगे। फ्रेंड्स, टुडे आई हैव ऑल दीज वेजिटेबल, बट इन द सीजन टाइम व्हेन एवर वी हैव कॉलीफ्लावर और कैरेट आई ऑल्सो यूज द कैरेट कॉलीफ्लावर, बट नाउ इज नो सीजन फॉर द कैरेट एंड कॉलीफ्लावर, सो जस्ट दिस। तो मेरे पास अभी यही सब्जियां थी तो मैंने ये सब्जियां डाली हैं। अगर आपके यहाँ गोभी या फिर गाजर मिले तो आप वो भी छोटे छोटे काट के डाल सकते हैं। आई यूज दिस अप्पे पैन। सो फर्स्ट आई हीट एंड देन आई ग्रीस जस्ट लिटिल ऑयल। तो हम इसमें थोड़ा तेल लगा देंगे। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, ये खाने में बहुत अच्छी लगती है, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये तेल मेल ज्यादा इसमें लगता नहीं है, तो ये हेल्दी भी है। सो दिस रेसिपी इज वेरी हेल्दी बिकॉज वी नॉट नीड मच ऑयल एंड देयर इज द लॉस ऑफ वेजिटेबल्स एंड सेमोलिना इज वेरी हेल्दी।
सूजी बहुत फायदेमंद होती है। सूजी तो हम काफी चीजों में इस्तेमाल करते हैं, कई रेसिपी बनाते हैं सूजी की। सो आई जस्ट लाइक 1.5 टीस्पून पेस्ट दिस बैटर आई एड इट लाइक दैट। मैं 1.5 चम्मच करीब इसमें डालती जाऊंगी ऐसे। सो नाउ आई फिल, मैंने इसको भर दिया है अपने स्टैंड के सारे सांचों को। अब मैं इसको बंद कर दूंगी। दिस इज जस्ट कवर फॉर द 2-3 मिनट एंड आफ्टर 2 मिनट वी टर्न। सो बोथ साइड वी कुक एंड दिस इज नॉट टेक लॉन्ग टाइम, जस्ट 6-7 मिनट इन मीडियम हीट वी कुक। तो हम इसको बहुत ही कम आंच में ही पकाएंगे, जो मीडियम हमारी लो फ्लेम होती है उस पर, क्योंकि ये जल जाएंगे और हर 2-3 मिनट में हम इसको पलट देंगे। सो नाउ आई टर्न, ऑलरेडी आई टर्न सम एंड अदर वन ऑल्सो आई टर्न। सो जस्ट विथ स्पून टर्न लाइक दैट एंड कुक अदर साइड। सो वन साइड वी जस्ट कुक ब्राउन कलर इज कम, अदर साइड इज नॉट कुक दिस मच। तो हमने इनको पलट दिया है और हम दूसरी साइड ज्यादा नहीं पकाना है हमें, थोड़ा सा लाइक दिस। दिस इज लाइक ऑलमोस्ट कुक। सो दिस इज सी, दिस इज कुक। सो नाउ आई डू द प्लेटिंग, द अप्पे इज रेडी। हमारे अप्पे तैयार हैं, अब मैं इसकी प्लेटिंग करूंगी। 2 मिनट और रख के इसको, जो हमारे थोड़े से 2-3 रह गए हैं, दिस वन इज नॉट कुक। सो आई जस्ट लीव इट लाइक दैट, टर्न ऑफ द गैस बिकॉज दिस अप्पे पैन इज वेरी वेरी हॉट एंड जस्ट आफ्टर 2 मिनट एंड आई स्टार्ट टू डू द प्लेटिंग। सो प्लेटिंग इज रेडी एंड नाउ अप्पे इज रेडी एंड दिस इज द रेड चटनी। आई मेक लास्ट वीडियो, माई लास्ट वीडियो हैव दिस रेसिपी फॉर द रेड चटनी, बट यू कैन यूज एनी अदर चटनी, ग्रीन चटनी और ऑल्सो यू यूज द सॉस। तो हमारे अप्पे तैयार हो गए हैं और मैंने लाल वाली चटनी बनाई है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बनाई थी। अगर आप चाहें तो इसको किसी भी चटनी से खा सकते हैं और सॉस से भी खा सकते हैं और ये बहुत ही यम्मी लगते हैं। प्लीज अपने घर पर ट्राई करिए ये वेजिटेबल अप्पे, वेरी हेल्दी दिस रेसिपी। आई होप एवरी वन लाइक। थैंक यू सो मच टू एवरी वन वॉचिंग दिस रेसिपी। इफ यू लाइक माई रेसिपीज, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।